नमस्कार, मैं हूं आशुदा। 30 दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। आज एक और बहुत दिलचस्प टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। हमने पहले एक डे के लेसन में डिस्कस किया था कि लॉसेस कैसे लेने हैं, और लॉसेस लेना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। आप हम ये बात करेंगे प्रॉफिट के साथ क्या करें। आपने 20 रुपये का फ्यूचर्स खरीदा, लॉट जो है 10,000 साइज का था, जो स्टॉक है 20 रुपये 20 पैसे का हो गया, तो आप सोचते चलो 2,000 बन गए, फटाफट 2 मिनट में ले लेते हैं। अच्छा, ये 2,000 ही नहीं है, अगर आप मार्जिन पे खरीद रहे हो तो भी, अगर 2 लाख का टोटल प्राइस है फ्यूचर्स का लॉट का, तो अच्छे टाइम में या जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है तो आपने 10% ही डालना है, तो 20,000 में आपका जो है सीधा 2,000 का प्रॉफिट हो गया। आप भी कहते हो यार 10% तो मुझे FD में नहीं मिलते या 10 मिनट में मुझे मिल गए। नहीं, आप प्रॉफिट जल्दी ना लें। देखें, फ्यूचर्स में आप जल्दी प्रॉफिट लेने के चक्कर में ना रहें। अगर 20 का आपने खरीदा, 20 का हो गया, आप सिर्फ स्टॉप लॉस 20 पे डाल दें कि अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं निकल जाऊंगा, और जो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। आप कहेंगे आशीष जी ऐसे करूंगा तो फिर 2 मिनट में जो है स्टॉक नीचे आ जाएगा और जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मैं तो निकल गया मार्केट से। हाँ जी, बिल्कुल निकल गए, मगर ये ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लॉस क्यों लेना चाहते हो। अगर आपकी जो गैस थी करेक्ट थी, आपने चार्ट ठीक से पढ़े थे, मार्केट का मूड भी आपके जैसे था, तो फिर तो स्टॉक को चलते जाना था ना। स्टॉक क्यों नहीं चाहिए 10-20 पैसे, ये नहीं होना चाहिए फ्यूचर्स में। हाँ, ट्रेडिंग में हम कब कभी ये चांस ले सकते हैं, मगर फ्यूचर्स में हम नहीं ले सकते। अब अगर आप कहते हो फिर हम कब बेचें आशीष जी, 20-20 हो गए जाने दें, 21 हो गया चलने दें, 22 हो गया चलने दें। हाँ, सिर्फ स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, जैसे 21 हो गया स्टॉप लॉस 20-50 पे डाल दें, 22 हो गया स्टॉप लॉस 21 पे डाल दें, चलने दें। तो फिर आप कहेंगे फिर मैं लॉस कब लूँ, तो लॉस आप ऐसा है ये लेके चलते हैं, 20 रुपये का जो स्टॉक है आपका फ्यूचर जो है 25 का हो गया, तो आपका हो गया ना सीधा 5 × 10,000 50,000 का प्रॉफिट। हाँ, अब अच्छा टाइम है लेने के लिए, आप ले सकते हो, मगर आप लो मत, आप आराम से बैठो, आप स्टॉप लॉस डाल दो 24 में। अगर ये नीचे स्टॉप, हमें हमेशा जो प्रॉफिट जो है ऊपर चढ़ते हुए कभी उससे निकलना चाहिए, नीचे की तरफ अगर आ रहा है हाँ, और अगर 10% हमारी जो भी प्राइस ऊपर 5,000 का प्रॉफिट हो गया है, 10 या 20% नीचे पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर वो 20% जैसे नीचे गिर गया हम निकल जाएंगे। तो 20 का स्टॉक 25 पे गया, 25 के बाद 24 पे आया, 20% का लॉस हो रहा है, आप फिर निकल जाओ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपने स्टॉक को चलने तो दिया, स्टॉक 5 रुपये ऊपर गया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और 10,000 आपने लूज करके फिर 40 में बेचा, फिर भी 40,000 बनाए ना आपने। मगर आप अगर 20 का स्टॉक 20-20 में ही निकल जाते या 20 के स्टॉक में 20-21 में निकल जाते, तो क्या 2,000 का प्रॉफिट होता या 1,000 का 10,000 का प्रॉफिट होता। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ ये है, स्टॉक को जहां तक जाना है जाने दें, उसके बाद अगर एक वो बड़ी फॉल की तरफ नीचे आता है और लेट से 20% गिर जाता है, उस टाइम पे आप बेशक निकल जाएं, मगर आप ये मत सोच के चले अरे मैं 50,000 बनाने वाला था, आप ये सोच के चले मैंने 40,000 बनाए। अगर आप वो सोच रखेंगे, प्रॉफिट को चलने देंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद इंप्रूव होते हुए बहुत देखेंगे। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर स्टॉक पहली टिक में 20-20 से फिर 20 पे आता है, आप स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर लगा के निकल जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आशुदत्त, नमस्कार।